सेकंड फ्लोर पे मेरा जिम है, ठीक है। यहाँ पर साथ लड़ाई वड़ाई हो गया। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब मस्त होंगे, सब स्वस्थ होंगे, सब अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी जस्ट फटाक ना उठे हैं और मतलब कैसे कैसे नींद टूटा। वैसे अलार्म तो लगा था 6 बजे का, लेकिन 7 बजे तो नींद यहाँ टूट गया। तो फटाक एकदम घर निकलते हैं क्योंकि पापा वेट कर रहे होंगे, पापा का ड्यूटी है 9 बजे, ठीक है। तो इसीलिए हम पता नहीं कैसे कैसे अब जाके घर सोएंगे, बाकी नींद घर पूरा करेंगे क्योंकि अभी सो जाएंगे तो फिर पापा का ड्यूटी में लेट हो जाएगा, समझ लो। तो फटाका निकलते हैं। वैसे तो अलार्म 6 बजे का था, सोचो 1 घंटे बाद उठते अलार्म के बाद, और धूप भी काफ़ी अच्छा खासा निकल गया, तो निकल जाते फटाक घर पे, लेट नहीं करते। तो गाइज, अभी जस्ट मतलब कि 5 मिनट में ही पहुँच गया हम, मतलब आराम से चलाए बाइक, ठीक है। 5 मिनट पहुँच गए और दिलावर के लिए हम क्या किए थे कि चिकन लेके चलाते, चिकन बच गया था तो सोचे कि दिलावर के लिए चलाते हैं, दिलावर खा लेगा, ठीक है। अभी देखो दिलावर का नाम भी दिलावर आ भी गया यहाँ पे, दिखाते इसका मुंह निकल गया छोटा सा। चलते अंदर, डिक्की में रखे थे जो भी सामान ले गए, चार्जर वार्जर लेके चले गए थे, वो टी शर्ट भी ले गए थे। ये तो टी शर्ट पहन के नहीं गए थे, टी शर्ट ले गए थे, ये वाला टी शर्ट सब था, तो ये सब ले लिए हैं। सुबह सुबह सब लेके चले गए थे, चार्जर वार्जर थे, सुबह सुबह सब ले गए थे। चल चिकन तो रहेगा अंदर। तो गए दिलावर को महक आ चुका है चिकन का, देख लो जीव लड़ रहा है। दिल्लू चिकन खाएगा, चिकन सब समझ रहे हम, सब समझ रहे तुम्हारा। आ रहे आ रहे अंदर, आ रहे आ रहे आ रहे लेके आ रहे, ठीक है। आ रहे हम, आ रहे अब चलते हैं अंदर, देखते हैं जैसे कूद तो रहा है। अंदर चलते हैं, फटाक देना गाड़ी में, लॉक कर दिए ना, लॉक करना ही भूल जाते हैं, हैंडी लॉक है ना, देख लेते चेक कर लेते हैं। हाँ हैंडी लॉक है क्योंकि पापा ड्यूटी निकलेंगे 1 घंटा में। तो दिलावर तो काफ़ी खुश है और काफ़ी एक्टिव लग रहा है, कल के जो इसका ट्रीटमेंट कल हुआ है जो, और मेरे शक्ल से लग रहा है कि सूत उठ के आ गए। हाँ हम सूत उठ के यहाँ तुरंत सूत के उठे, बस लोअर डालें, ये टी शर्ट जो रात को पहन के सोए थे वही पहन के वो नीचे आए, बोले कुशल खोल यार शटर घल्ली घर जाने, तो पापा गुस्सा जाएंगे फोकट का। तो हम घर आ गए तो सोच रहे हैं कि अब नहा लेते हैं, जब उठ ही गए तो नहा धोवा लेते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर आराम कर लेंगे, थोड़ा सा सो जाएंगे, ठीक है। नहीं तो ऐसे अगर हम अभी सो जाएंगे तो फिर उठेंगे 12-1 बजे, मतलब लगभग 1-2 बजे उठेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, फिर उस वक्त काफ़ी लेट हो जाएगा, ब्रेकफास्ट कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अभी सोचा उठ ही गए तो नहा लेते धोवा लेते हैं, नहा धोवा के ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, बाकी काम बाद में करेंगे, ठीक है। चलो तो ब्रश करते हैं, नहाते धोवाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है। दिलावर तो काफ़ी खुश है, आ जाओ बिल्लू, देख लो मस्त डैम मस्त लड़का। हाल चाल है बड़ो, कैसे काटा मेरे बिना एक दिन, ओए पूरा ऐस किया ना मेरे कमरा में एक दिन पूरा। हाँ बड़ो, हाँ देखिए 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 इस बच्चे को, ए बड़ो क्या हाल चाल। आई ड्रॉप भी हम भूल गए हैं, तो आई ड्रॉप लेंगे हम सुबह में, तो ऐसे दुकान खुला नहीं रहता पर लेंगे, ठीक है, लेंगे लेंगे आज शाम को जाकर लेंगे हैं दिलाओ। तो गाइज पहले गला थोड़ा ठीक कर लें, ठीक कर लें, ठीक है, अब गला ठीक हो गया। तो गाइज अभी हम जस्ट सो के उठे हैं, ठीक है, मस्त। जब कुशल घर आए थे, सॉरी कुशल के घर से जब आए थे, नहाए धोए अपना ब्रेकफास्ट किए और सो गए, ठीक। तो अभी जस्ट उठे हैं और उठे तो देखो कि मतलब खिड़की खोल के देखे सामने की पूरा अंधेरा है, इसका मतलब टाइम ज़्यादा हो गया था, 12 बजे सोए थे, 5 बजे उठे, मतलब कि 4-5 घंटा सो गया आराम से, ठीक है। तो अब हो गया जिम की बारी, ठीक है, तो जिम तो छोड़ नहीं सकते, जिम तो जाना है। और सो के उठते हम थोड़ा खाना खा लिए थे, अब क्या करते हैं अपना मील तैयार कर लेते हैं जो भी हम जिम से पहले लेते हैं, ठीक है। तो अब चलो उसको रेडी करते हैं, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा और हम जिम छोड़ेंगे नहीं इस बार इस मंथ में तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, जिसमें मेरा मंथ में बड़ा बर्थडे है और बहुत कुछ है, बहुत सरप्राइजिंग चीज़ें, तो इस मंथ में अपना मतलब जिम छोड़ देंगे तो फिर समझ लो कि मतलब काम फिनिश्ड, ठीक है। फिलहाल चलो फटाक देना अब अपना मील रेडी करते हैं। क्या बात है, नहीं नहीं क्या, नहीं नहीं क्या क्या बात है, क्या बात है। तो गाइस फिलहाल हम अपना शेक बना के रेडी यहाँ पर रखे हुए हैं, देख रहे हो यहाँ ग्लास में रखे हुए हैं, और सर जी को चाहिए इसमें से, कैसे देते कैसे, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है, समझे। वैसे भी मतलब डॉग्स के लिए शहद जो है मतलब मीठा चीज़ अच्छा नहीं है, और इसमें हम शहद डाले हुए हैं, हनी डाले हुए हैं, तो इसके लिए अच्छा नहीं है। और मेरे पीछे पीछे घूमेगा भी, देखो यहाँ पे नीचे देखो घूमेगा, ताकि हम दे सकें, देखो आराम से बैठ जाएगा, हम पियेंगे तो इसको चाहिए चाहिए, जब भी हम कुछ खाएंगे पियेंगे इसको थोड़ा सा चाहिए चाहिए। तो फिलहाल इसको कंप्लीट करते हैं और जिम निकलते हैं, ठीक है। और जिम इधर हम लेट से जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा मतलब गर्मी ज़्यादा है इधर, ठीक है। तो 7 बजे से जिम जा रहे हैं, पहले 6 बजे जाते थे ठंडी में,
अब 7 बजे जा रहे हैं, समझ में आया। तो फिलहाल इसको जल्दी से फिनिश करते हैं, फिर रेडी होते हैं जिम के लिए। नहीं, यहाँ बैठने से मिल जाएगा, है ना? यहाँ संघर्ष करने से मिल जाएगा बेटा, है ना? तुमको है ना, कितना प्यार से देख रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है, हम थोड़ा सा पी लेंगे तो थोड़ा सा देंगे, एकदम थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा, समझ में ना, एकदम थोड़ा सा। मंजूर है? बोलो मंजूर है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ डाला हुआ, तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है बेटा, समझ में आया? तो तुम उसी लिए नहीं दे सकते, समझ में आया मेरे बच्चा? समझ में आया कथा? तो गाइस हम जिम पहुँच गए हैं, वो रहा सेकेंड फ्लोर पर मेरा जिम है, ठीक है, दिख रहा है आपको, वहाँ पर सब वर्कआउट कर रहा है। और फर्स्ट फ्लोर पे कोई ब्यूटी पार्लर है कोई भी, और ग्राउंड फ्लोर पे केक और बेकरी का शॉप है, और उसके ऊपर लाइब्रेरी है। करते अब जिम, क्योंकि इस रोड में हमेशा मतलब जाम लगा रहा था, तो इधर हम लोग गाड़ी लगा दी इधर ही गली में। चल जाम, देखो जाम, देख रहे हो जाम कितना रहा है। यहाँ पर सब लड़ाई वड़ाई हो गया, चल नहीं आज, लगता है यहाँ पर लड़ाई वड़ाई हो गया। चल चल जाम, देख रहे हो जिम जाके। जिम से निकलते हैं, अब स्ट्रिंग पीते हैं, क्योंकि थोड़ा एनर्जी डाउन है, तो स्ट्रिंग पीने थोड़ा बहुत एनर्जी तो आएगा ही। एनर्जी ड्रिंक है ये, है वैसे मेरा फेवरेट है ये। और जस्ट गली के, अपने घर की गली के बाजू में ही है, क्योंकि फिर जाएंगे तो दिलाड़ू को भी देना पड़ेगा, दिलाड़ू को सब दे नहीं सकते पीने के लिए। तो गाइस हम घर आ चुके हैं, और वर्कआउट ख़त्म हो गया था, थोड़ा मैं घर आ गया, पर हम मतलब कि हम मेडिकल भी गए थे, हम 2-3 दुकान में ढूंढे दिलाड़ का दवा, नहीं मिला। और लगता है कि हमें ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा, या इधर अपने वाली मतलब अपने वाली गली छोड़ के बाजू वाली गली में एक बार जाकर चेक करना पड़ेगा, क्या पता उस गली में मिल जाए, तो एक बार बाजू वाली गली में चेक कर देंगे। आज पैदल ही गए थे, बस 2-3 दुकान देखे थे, तो उसमें तो नहीं मिला, पूछे भैया है वो दवा, तो वो नहीं था, तो बेचारा आज भी नहीं मिल पाएंगे, तो देखते हैं ऑनलाइन मंगाते, ऑनलाइन आने में 2-3 दिन लग ही जाएगा, तो ऑनलाइन मंगाएगा, नहीं तो पारस के पास उधर मेडिकल बहुत सारा है, उधर जाकर देख लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल फ्रेश होते हैं और खाना खाते हैं। ये रहा मेरा बेटा, बैठा हुआ मस्त मेरे पास, देख रहे कहाँ कैसा हो रहा है। जल्दी से करना पड़ेगा, जल्दी दवा लेना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा इसको, इसको प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रहा है इसको। हाँ दिलावर, प्रॉब्लम हो रहा है ना? हाँ कितना प्यार लग रहा है, कुछ 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 मेरा प्यारा बच्चा। चलो ठीक है, बैठो बैठो, चुपचाप बैठे रहो, उठना नहीं, तुम्हें बैठो, समझना है, बदमाशी नहीं करना है। तो गाइस काफ़ी रात हो गया और खाना पीना कम्प्लीट हो चुका है, तो अब मेरा सोने का वक्त हो चुका है, और आज जल्दी सोएंगे, आज लेट नहीं करेंगे, क्योंकि कल तो पार्टी के थे, तो कल लेट कर दिए थे, कल 2-3 बजे सोए थे, ठीक है। तो ये रूटीन हमेशा फॉलो नहीं करें, कभी कभी हो गया, संडे संडे हो गया, ठीक है यार, ऐसे नहीं कि हर रोज़ हम 2-3 बजे सोएंगे तो फिर मेरा हेल्थ ख़राब हो जाएगा, इसीलिए ब्लॉग एंड करते हैं, क्योंकि लेट भी करेंगे, तो यही ब्लॉग एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।